या हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग पार्ट टू। इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रीडिंग पार्ट वन हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग पार्ट टू को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा दैट इज व्हाट इज स्कीमिंग रीडिंग, व्हाट इज स्कीमिंग एंड व्हाट इज स्कैनिंग रीडिंग। तो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर दैट स्कीमिंग रीडिंग। एग्जैक्टली स्कीमिंग क्या होती है, स्कीमिंग रीडिंग में क्या करते हैं हम लोग। सो इस वीडियो को भी जैसे आपने अभी पिछली बार अप्रिशिएट किया था, इसको भी आप ध्यान से देखिए। इसमें आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ नेट के लिए या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। साथ में ये आपके जनरली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कैट में, प्लस आपके बीएड में भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, बीटीसी में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, और आपके मैट और नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को, और दैट इज द टाइप ऑफ स्कीम, टाइप्स ऑफ रीडिंग पार्ट टू का पहला जो हमारा टॉपिक है ये स्कीमिंग रीडिंग। एग्जैक्टली स्कीमिंग रीडिंग क्या होता है, आप यहाँ पहला पॉइंट देख सकते हैं, रीडिंग टेक्स्ट टू गेट जनरल आइडिया। मतलब किसी भी टॉपिक का एक जनरल आइडिया लेने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें हम पूरे के पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम एक जनरल आइडिया के लिए हम एक टॉपिक को पढ़ लिया और उसी से हमें पता चल जाता है कि हम एग्जैक्टली क्या पूरा लिखा होगा। ठीक है, इसमें हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कोई अपने यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर का, या फिर मैंने कहा आपने एक टॉपिक लिया, आपने एक टॉपिक पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम आप टॉपिक देख लिए और आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा होगा, आपको डेफ में फिर जाने की जरूरत नहीं होती है, आपने टॉपिक देख के ही समझ लिया होगा कि लेते हैं कि आप इसमें क्या लिखा होगा। दूसरा है आइडिया ऑफ एनी मैटर। आइडिया ऑफ एनी मैटर का मतलब क्या होता है, इसमें भी आप यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा है, न्यूज़पेपर का हेडलाइन हम पढ़ते हैं और उसी से हमें क्लियर हो जाता है कि अंदर क्या लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात किया था, हमने कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा, कोई न्यूज़ पढ़ा मतलब अबाउट गोरखपुर, गोरखपुर के बारे में आपने कोई न्यूज़ पढ़ा है, तो आपने बस हमने एक हेडिंग देख लिया गोरखपुर, आपने गोरखपुर देख लिया तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये न्यूज़ इसमें इस पेपर में यानी इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर के बारे में ही होगा न्यूज़, बाकी और किसी जगह के बारे में नहीं होगा। तो आपने क्या किया, हेडलाइन देख कर ही समझ जाते हो कि एग्जैक्टली वो मैटर क्या है। तीसरा पॉइंट यह है टू गेट द कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट, यानी यहाँ पे हम दो लाइन पढ़ते हैं और पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई लेटर किसी को भेजते हैं, हमारे पास 10 लेटर आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे लेटर को पढ़ते नहीं है, लेटर का सिर्फ क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट लाइन पढ़ते हैं। सब्जेक्ट लाइन का मतलब उसमें लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है रिक्वेस्टिंग फॉर द टू गेट लीव या टू ग्रांट लीव, यानी लीव के लिए अप्लीकेशन, आपने इतना पढ़ा फिर आपको नीचे पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये तो पता चल जाता है कि ये लेटर किस लिए लिखा गया है। या टू क्लोज द सेविंग बैंक अकाउंट, यानी इतना एक सेक्शन आपने पढ़ा, एक छोटा सा आपने वर्ड पढ़ा और इतने में हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली पूरा कंक्लूजन क्या होगा इस लेटर का। तो टू क्लोज द बैंक सेविंग बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो लेटर है वो बैंक अकाउंट क्लोज करने के लिए लिखा गया है। तो ये होता है टू गेट द कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट है गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, यानी हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम टाइटल देखकर ही समझ जाते हैं कि क्या लिखा होगा, सब टाइटल पिक्चर देखकर या सिंबल देखकर या चार्ट देखकर हम समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है ये। फॉर एग्जांपल आप कभी बार चार्ट देखते होंगे तो बार चार्ट में आपको दिखता होगा, एक बार चार्ट में आपको दिखेगा कि कुछ लाइन जैसे बहुत ऊपर है, बहुत हाई पर है, कुछ लाइन बहुत छोटे हैं, तो हाई वाला पे हम समझ जाते हैं कि इस ईयर में इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट वो बहुत हाई थी, मार्किंग चलते हैं 90% का अगर बार चार्ट दिखा रहा है, यानी इस ईयर में 2017 में जो ये कंपनी है एबीसी कंपनी है उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 90% थी। फिर 2019 की बात करते हैं तो 2019 में पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे लाइन पे रह गए, थोड़ी सी लाइन पे रह गए, यानी नीचे आ गया। तो इसको देख कर हम समझ जाते हैं कि 2019 में उस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो 40% है,
तो हम क्या करें, हमने जो वो पाई चार्ट जो होता है ना वो देख कर ही हम समझ जाते हैं, बार चार्ट देख कर समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, आपको फिर पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये स्किमिंग रीडिंग होती है जिसमें आपको पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप कुछ हिंट पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक, कुछ हेडिंग पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? तो फिर से मैं आपको एक बार रिविजन कर दे रहा हूँ। रीडिंग टेक्स्ट टू गेट जनरल आइडिया, यानी हमने टेक्स्ट को सिर्फ किससे पढ़ा, एक जनरल आइडिया के लिए, लेने के लिए कि क्या है लिखा हुआ, हमने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसके छोटे से पार्ट को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि अंदर क्या लिखा होगा। आइडिया ऑफ एनी मैटर का मतलब क्या हुआ कि आपने एक हेडलाइन पढ़ा और हेडलाइन पे ही आप रुक गए, फिर आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ, हेडलाइन से समझ गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द मैटर, क्या मैटर होना चाहिए, क्या मैटर होगा, आप हेडलाइन पढ़ के ही समझ जाते हो, अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। टू गेट द कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट, आप बस लेटर में क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन देखते हो और पता चल जाता है कि लेटर किस पर्पज से लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड टू गेट द कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट, यानी कोई भी पिक्चर, कोई भी सिंबल देखकर आप समझ जाते हो एग्जैक्टली क्या इसका इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। क्लियर है? सो दिस इज नाउ कम टू द पॉइंट इज द स्कैनिंग रीडिंग। गाइस फ्रेंड्स, ये देखिए सामने, आपके सामने चल रही है स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है एग्जैक्टली, इसमें आप यहाँ पे आप देख रहे हो, रीड टेक्स्ट टू फाइंड जस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली, यानी इसमें हम क्या करते हैं, स्कैन, आपको पता है स्कैनिंग, स्कैनर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर में हम क्या करते हैं कि हमें जितनी भी स्पेस चाहिए, जितनी साइज के में मैटर चाहिए होगा उतनी को ही हम स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे भी स्कैनिंग क्या होता है, इसमें जो चाहिए बस वही ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिक्शनरी में जानो, मेरे को अगर एप्पल की स्पेलिंग ढूंढनी है तो मैं पूरा डिक्शनरी पढ़ लूँगा, मैं सीधे क्या जाऊँगा, सीधे ए वाले सेक्शन पर जाऊँगा और ए वाले सेक्शन में जाके फिर मैं ए डबल पी वाले सेक्शन में जाऊंगा, यानी जो स्पेलिंग है ना, सॉरी उसका मतलब क्या है, स्पेलिंग पता है लेकिन मतलब नहीं पता है। तो मैं क्या किया, डिक्शनरी पे गया, मैं ए पे गया, ए के बाद फिर उसकी स्पेलिंग दूसरी डबल पी पे गया। इस तरह से करते करते क्या होगा, मुझे फाइनली एप्पल का वो इंग्लिश तो जो वर्ड है तो मिल जाएगा, साथ में उसकी मीनिंग मिल जाएगी। यानी इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को ही देखते हैं, बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, फोन डिक्शनरी में आप डायरेक्टरी होती है, फोन डायरेक्टरी में सपोज दैट आपको श्याम का नंबर चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप राम या अनुज या ओम प्रकाश का पेज नहीं खोलते हो, सीधे एस वाला पेज खोलते हो। ठीक है, तो वहाँ पे एस वाले पेज में क्या होता है, सिर्फ आप श्याम वाले, श्याम को ढूंढते हो। तो वहाँ पे हमने सबका फोन नंबर नहीं देखा, सिर्फ श्याम का फोन नंबर देखा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो चीज़ें हमें चाहिए उसी को ढूंढते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। कम टू द पॉइंट इज द स्कैनिंग में दूसरा हमारा पार्ट आता है, रिसर्च ओनली दोज टॉपिक विच वी वॉन्ट टू रीड एंड रिमेन वी इग्नोर, यानी इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उन टॉपिक को ही टच करते हैं जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रखा हुआ है, हम क्या करते हैं कभी कभी जब एग्जामिनेशन में रिजल्ट आउट होते हैं तो क्या करते हैं, हम पेपर में जो रोल नंबर ढूंढते हैं वो क्या अपना ढूंढते हैं या पड़ोसी का। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अपना रोल नंबर ढूंढते हैं, बाकी सभी को हम इग्नोर कर देते हैं। देन होटल में हम जाते हैं और मेन्यू कार्ड देते हैं, तो मेन्यू कार्ड में हम क्या करते हैं, जानो आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप जाहिर सी बात है नॉन वेज वाले सेक्शन को छोड़ दोगे, तो सिर्फ आप वेजिटेरियन में जाते हो तो वेजिटेरियन में जो आप चाहते हो सिर्फ उसको देखते हो। क्लियर है? यानी हम पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड नहीं पढ़ते हैं, उसमें जो हमारे मन लायक होता है, जो हमारे पसंद का होता है, सिर्फ उसको हम देखते हैं। देन कभी कभी हमने ये भी चीज़ होता है कि हम अपने नाम को कहीं पे ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपका नाम लिखा हुआ है, आप क्लास में जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो आपको अपना रोल नंबर देखते हो कि किस रोल नंबर में आपका किस रोल नंबर के लोग किस क्लास में बैठेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ आप अपना रोल नंबर ढूंढते हो और आपको पता चल जाता है कि मेरा रोल नंबर ये है और मुझे इस क्लास में इस रूम नंबर में बैठना है। तो होता क्या है, यहाँ पे हम सबकी चीज़ों को नहीं ढूंढते हैं, यानी सभी के इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जो हमारे काम लायक होता है ना, हम उसको ही ढूंढते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इज अ स्कैनिंग रीडिंग। इसमें फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रीड टेक्स्ट टू फाइंड जस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ क्विकली, दैट इज अ जो चाहिए बस उसी को ढूंढते हैं, मतलब हम डिक्शनरी में कोई भी वर्ड की मीनिंग ढूंढनी होती है तो बस उसकी हम वर्ड क्या करते हैं, उस वर्ड के स्पेलिंग को हम ढूंढते हैं।
और वहीं पे जाते हैं, हमें अगर एस से है तो हम वाई को नहीं ढूंढते, सिर्फ एस वाले सेक्शन में जाएंगे। देन अगर हमें फोन डिक्शनरी में किसी का नाम ढूंढना होता है तो बस हम फोन डिक्शनरी में उस अल्फ़ाबेट को ढूंढते हैं जिस अल्फ़ाबेट से उस व्यक्ति का नाम शुरू हुआ है। देन वी सर्च ओनली दोज टॉपिक विच वी वॉन्ट टू रीड एंड रिमेन वी इग्नोर, यानी यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को हम ढूंढते हैं जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पेपर में अपना रोल नंबर ढूंढना या मेन्यू कार्ड में कोई कोई भी चीज़ें आप जो खाना चाहते हो उसका नाम आप ढूंढते हो, या कहीं पे भी आपका नाम रखा हुआ है, आपका रोल नंबर लगा हुआ है और आपको पता करना है कि आपका को किस रूम में बैठना है, किस क्लास में बैठना है, तो वहाँ पे सिर्फ आप अपना रोल नंबर देखते हो। तो इस बेस पे हम इसको बोलते हैं स्कैनिंग, तो दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग रीडिंग। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा हुआ है, स्कीमिंग रीडिंग में सिर्फ जनरल आइडिया के लिए टॉपिक को पढ़ते हैं, स्कैनिंग रीडिंग में सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी सभी को इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है? आई होप सो दोस्तों आपको इस वीडियो से ये स्कीमिंग रीडिंग और स्कैनिंग रीडिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज वीडियो को जरूर देखिए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट एंड प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए इसको प्रेफरेंस जरूर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ।